किसान भाइयों, ट्रैक्टर जो है बिल्कुल स्टार्ट गजब कंडीशन में है। आप लाइट देखो, इसकी सारी लाइट जल गई है, एलईडी लाइट जल गई, बहुत ही प्यारा लग रहा ट्रैक्टर। नीचे की लाइट भी जल गई, लाइट ही लाइट है ट्रैक्टर में चारों तरफ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया। नमस्कार किसान भाइयों, आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो है फोर्ड 3600 फुल मॉडिफाई की। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ट्रैक्टर लग रहा है। इसमें ज़्यादातर सभी चीज़ जो है चेंज हैं, नए मॉडल की है बिल्कुल। इसके जो फ्रंट टायर हैं 616 के हैं और पिछले टायर इसमें 13/6/28 के हैं। और आप देख सकते हैं इसकी पेंट क्वालिटी कितनी अच्छी है, स्टिकर वगैरह इसमें बिल्कुल मस्त एकदम बढ़िया कंपनी के लगे हुए हैं। और इसमें जो ऊपर फाइबर की छतरी है वो भी बहुत ही सुंदर इसका फाइबर है। और इसमें एलईडी लाइट है, पंखा है, साइड में जो है इसमें लाइट घूमने वाली भी लगी हुई है, और देवंद का इसमें बम्पर लगा हुआ है उजागर वालों का। नीचे बड़ी सुंदर लाइट लगी हुई है, ये हैवी ड्यूटी हुक लगा हुआ है, मान लो अगर कहीं खिंचवाना पड़े तो बहुत ही मजबूत है ये। फ्रंट एक्सल जो है इसका एडजस्टेबल है, फोर्ड 3600 में जो आता है बिल्कुल ओरिजिनल है। कुछ लोग इसका डायफ्राम चेंज करवा देते हैं, लेकिन इसमें आज भी माइको का वही पंप लगा हुआ है। और ये देखो आप, और इसके टायरों के ऊपर जो है दोस्तों ये मरघाट लगे हुए हैं, इस पर जो स्टील लट्टू भी लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर। और ये साइड में बैटरी करवा दी, फार्म ट्रैक का इसमें बक्सा लगवा दिया अलग से। पैरों की जो है इसमें स्पीड पैरों वाली एक्सलेटर की लगा दी, और चारों टायर इसमें गुडियर कंपनी के लगे हुए हैं नहीं। और ये प्लेट भी लगी हुई है जो फार्म ट्रैक में अब आ रही है सपोर्ट के लिए। और बैठने के लिए स्टील के फैंडम डंडे हैं जो इसे एक अपना अलग ही लुक दे रहे हैं। एलईडी लाइट हैं, ऑयल इम्ब्रिश ब्रेक का स्टिकर भी लगा हुआ है दोस्तों इसमें, जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है। और ये जो फाइबर की छतरी है इसमें देख लो आप, ये बराबर में पंखे दो शीशे लगे हुए हैं जिससे ड्राइवर आगे पीछे देख सकता है अपने हिसाब से। ये इसमें लाइट लगी हुई है एलईडी, पीछे हिच भी चेंज कर दिया भैया ने। और ये जो दोनों तरफ इसमें लिंक स्टेबार लगी हुई हैं, ये भी चेंज है, नई है बिल्कुल। और आप देख सकते हैं इसके जो मरघाट हैं वो भी नए मॉडल के लगा दिए हैं, वायरिंग वगैरह। और ये रिफ्लेक्टर भी लगा दिया, और यहाँ पे जो है जाली लगा दी इसमें पानी की बोतल रखने के लिए। और ये इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट भी लगा दिया, बिल्कुल कंपनी वाली फिटिंग कर दी। लिंक जो है इसकी बहुत ही मजबूत है, मजबूत। और दोस्तों देखो इसमें जो है ये फ्यूज बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया। सभी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बहुत ही बढ़िया से लगे हुए हैं। और स्टीयरिंग देखो कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखो आप, ये मीटर वगैरह जो है इसके सब नए हैं, ये स्टिकर सब अच्छे लग गए, बहुत ही बढ़िया, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। और ये जो पायदान है ये भी नए लग गए इसमें। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपको कोई ट्रैक्टर मॉडिफाई कराना है तो उसमें पूरा काम कराओ आप पूरी तसल्ली से। ये ट्रैक्टर जो है दोस्तों 1987 मॉडल है, और इसमें लगभग खर्चा जो आ गया पूरा वायरिंग का, फाइबर सीट का, लगभग 1,60,000 रुपये का इसमें अलग से खर्चा आया है। पेंट वगैरह सब जिसका खर्चा बाई रिटर्न है, मतलब लिखा हुआ है,
कोई इसमें किसी तरह का झूठ नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों ये जो ट्रैक्टर है ये मुजफ्फरनगर सिकंदर जो अच्छन के लड़के हैं उन्होंने मॉडिफाई किया है, और उनका जो नंबर है मैं कमेंट्स बॉक्स में डाल लूँगा। नमस्कार।